Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, आज हम रेस करवाने वाले हैं कारबोल की रोप हीरो की सुपर कार्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, मॉन्स्टर ट्रक, रोडस्टर कार, जॉम्बीज वैन और आर्मी वैन के साथ में हम रेस करवाएंगे कारबोल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखने वाले हैं कि भाई कारबोल की स्पीड आखिरकार कितनी खतरनाक वाली है। लास्ट टाइम तो दोस्तों कारबोल ने रोबोट को और रोबोटिक कार को दोनों को ही रेस में हरा दिया था, लेकिन दोस्तों आज कारबोल का सामना होने वाला है रोप हीरो की सुपर कार्स के साथ, और ये कार सारी की सारी चैंपियन है। तो हम कह सकते हैं कि कारबोल वर्सेस चैंपियंस की रेस होने वाली है आज। तो दोस्तों, रेस को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं टिप्सन के पास, क्योंकि भाई टिप्सन को कल ही हम एलियंस से छुड़ा के लाए हैं और उसके बाद से हम टिप्सन से मिले तक नहीं है, उससे हाल चाल नहीं पूछे, उसके समाचार नहीं पूछे। तो चलो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं हम टिप्सन के पास और पूछते हैं उसकी क्या हाल चाल है और एलियन ने उसको क्या क्या बताया, क्या क्या बातें हुई उसकी एलियन के साथ। तो चलो दोस्तों, चल के मिलते हैं टिप्सन से। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है कल वाली वीडियो जिसमें टिप्सन को एलियन उठा ले गए थे, तो देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये लो, हम पहुंच भी चुके हैं टिप्सन के घर पे। हेलो टिप्सन दादा। अरे आओ रूप हीरो, क्या हालचाल? अरे टिप्सन दादा, मेरे तो हालचाल एकदम बढ़िया है। आप सुनाओ, आपको तो एलियंस उठा के ले गए थे ना, क्या किया उन्होंने और उनकी दुनिया कैसी थी, कुछ तो बताओ हमें भी। अरे छोटे, मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद को कुछ नहीं पता। मैं तो तुझसे सुन रहा हूं, लोगों से सुन रहा हूं कि यहां पे कोई एलियन आया था और वो मुझे उठा ले गए थे। मुझे बस इतना याद है कि परसों के दिन मैं घर के बाहर खड़ा था और अचानक से एक ऊपर से खूब खतरनाक वाली लाइट आई मेरे ऊपर और मैं बेहोश हो गया। बस उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद बेहोशी से मैं डायरेक्ट आज सुबह ही जागा हूं। ओ, तो ऐसी बात है यार टिप्सन दादा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं सोच रहा था टिप्सन दादा से चल के पूछते हैं एलियंस की दुनिया के बारे में, कैसी थी उनकी दुनिया, उनकी स्पेसशिप कैसी थी, कैसे थे वो लोग। लेकिन यार टिप्सन दादा, आपको तो खुद को कुछ नहीं पता, आप तो बेहोशी में थे। चलो कोई नहीं, आप एलियंस की दुनिया से वाइस टाउन में वापस आ गए, हम सब के लिए इतना ही काफी है। और मैं ना टिप्सन दादा, आपके लिए एक छोटा सा काम लेकर आया हूँ। आज आपको ना हमारी रेस होस्ट करवानी है। मैं और सुपर हीरो आज रेस करवाने वाले हैं सुपर कार्स की कारबोल के साथ। तो टिप्सन दादा, आपको उस रेस को होस्ट करने के लिए आना है स्टेडियम के पास वाले रेसिंग ट्रैक पे, जहाँ पर हम रोजाना रेस करवाते हैं। तो चलो टिप्सन दादा, मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलते हैं रेसिंग ट्रैक पे। आप जल्दी से आ जाना वहाँ पे, और जब तक मैं चल के रेस की तैयारियां करता हूँ। हाँ ठीक है छोटे, तू चल चल के रेस की तैयारियां कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है टिप्सन दादा, तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से चलते हैं आप सबको लेकर रेसिंग ट्रैक पे। आपको दिखाते हैं हमारा रेसिंग ट्रैक और फिर करवाते हैं रेस कारबोल वर्सेस मॉन्स्टर ट्रक की। और ये देखो दोस्तों, हमने मॉन्स्टर ट्रक को ऑर्डर कर दिया है और ये आ भी गया है। तो दोस्तों, आज की रेस में रोप हीरो जो है वो ड्राइव करने वाले हैं अपने चैंपियंस को, मतलब की मॉन्स्टर ट्रक, रोडस्टर कार, जॉम्बीज वैन और आर्मी जीप को ड्राइव करेगा रोप हीरो। और जो हमारा सुपर हीरो है वो भाई साहब कारबोल चलाने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि रोप हीरो, मुझे ना यार कारबोल को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस लेना है। तो मैंने उसको बोल दिया ठीक है, हम रेस करवा लेते हैं, तू आ जा, तेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और हमारी रेस भी हो जाएगी। तो दोस्तों, वो आ रहा है कारबोल को लेके और हम चल रहे हैं मॉन्स्टर ट्रक को लेके। तो चलिए दोस्तों, आज की रेस स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देते हैं हमारा रेसिंग ट्रैक। और ये लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे रेसिंग ट्रैक के एंडिंग पॉइंट पे। ये जो ट्रैफिक लाइट है, ये है हमारे रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट। दोस्तों मतलब कि यहां आके हमारी रेस खत्म हो जाती है, यहीं पे आके हमारे व्हीकल्स विनर और लूजर बनते हैं। मतलब ये जो सामने की तरफ रोड है, इधर से हम इस तरीके से दौड़ते हुए आएंगे और जो भी व्हीकल भाई हमारा रेसिंग का, हमारा जो भी व्हीकल होगा वो इस तरीके से दौड़ता हुआ इस ट्रैफिक लाइट को सबसे पहले क्रॉस करेगा, वो ही होगा विनर। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे रेसिंग ट्रैक के, क्योंकि एंडिंग पॉइंट तो आपने देख लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा रेसिंग ट्रैक आखिर कितना बड़ा है। दोस्तों ये जो ट्रैफिक लाइट है, ये है एंडिंग पॉइंट, ऐसी लाइट एक स्टार्टिंग पॉइंट पे भी है। तो चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, जहां अभी हमारी गाड़ी दौड़ रही है ना भाई, ये हमारा रेसिंग ट्रैक, बस यहीं पे दौड़ानी है इसी स्पीड से, तो हम विनर बन जाएंगे। तो दोस्तों सामने की तरफ हम जा रहे हैं जहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इस रेसिंग ट्रैक का। तो ये लो दोस्तों, हम बस पहुंच ही गए। ये जो सामने ट्रैफिक लाइट दिख रही है ना, बस यही है भाई स्टार्टिंग पॉइंट हमारे रेसिंग ट्रैक का। मतलब कि हमारे व्हीकल्स को यहाँ से बस दोस्तों यहीं से रेस को स्टार्ट करना है, और जो एंडिंग पॉइंट देखा था वहाँ पर सबसे पहले पहुँचना है। ये जो ट्रैफिक लाइट है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की ट्रैफिक लाइट तो आपने देख ली। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम रेस को स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि भाई सुपर हीरो बस अब आने ही वाला होगा। यो भाई लोग, मैं आपका दोस्त टिप्सन आ गया हूँ आज की रेस को होस्ट करने के लिए। हमारे पास है आज रेस में एक तरफ मॉन्स्टर ट्रक तो दूसरी तरफ कारबोल। मॉन्स्टर ट्रक को ड्राइव करने वाले हैं रोप हीरो और भाई कारबोल के अंदर बैठा हुआ है सुपर हीरो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से रेस को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, go!
ये लीजिए दोस्तों, रेस स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्टिंग में भाई कार्बोल काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है और मॉन्स्टर ट्रक द चैंपियन पीछे रह गया है। लेकिन भाई अब मॉन्स्टर ट्रक ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है और ये क्या दोस्तों, कार्बोल पीछे रह गई और मॉन्स्टर ट्रक आगे निकल चुका है और ये लो दोस्तों मॉन्स्टर ट्रक जीत भी गया एंडिंग पॉइंट को क्रॉस करके। क्या बात है दोस्तों, मॉन्स्टर ट्रक पहले पीछे रह गया था लेकिन अब आगे निकल के जीत गया और कार्बोल अब जाके पहुंची है भाई एंडिंग पॉइंट पे। दोस्तों कार्बोल की तो बहुत खतरनाक वाली हार हो चुकी है और मॉन्स्टर ट्रक यानी कि रोब हीरो जीत गया है और सुपर हीरो की कार्बोल इस रेस में हार गई है। दोस्तों मॉन्स्टर ट्रक का चैंपियन ऐसे ही नहीं है, इसका नाम ही भाई चैंपियन है। इसे रेस में अभी तक किसी ने नहीं हराया, सिर्फ एक बार ब्लैक जंपर ट्रक ने हराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें भाई मॉन्स्टर ट्रक भी रेस में हार गया था। लेकिन भाई बाकी किसी व्हीकल से आज तक मॉन्स्टर ट्रक कभी नहीं आ रहा और आज तो भाई कार बोल के भी धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रेस की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा व्हीकल है। और भाई इस बार रोप हीरो को मिली है जॉम्बीज वैन और सुपर हीरो के पास है कार बोल। तो चलो दोस्तों इन दोनों की भी रेस स्टार्ट करवाते हैं और देखते हैं कौन ही जीतता है। 3, 2, 1, GO! और ये लीजिए दोस्तों, इस बार भी भाई कार्बोल काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है जॉम्बीज वैन से। जॉम्बीज वैन तो यार काफी ज्यादा पीछे रह गई, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, कार्बोल डिसबैलेंस कैसे हो रही है, ये मतलब आजू बाजू में भाग रही है भाई, सीधी चल ही नहीं रही बेचारी। और भाई अब हमारी जॉम्बीज वैन ने भी स्पीड पकड़ ली है खतरनाक वाली, लेकिन भाई कार्बोल को ये नहीं पकड़ सकती, कार्बोल काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। और ये लो दोस्तों कार्बोल पहुंच चुकी है एंडिंग पॉइंट पे और ये क्रॉस करके भाई विनर भी बन चुकी है और जॉम्बीज वैन अब जाके क्रॉस की है भाई एंडिंग पॉइंट को। तो दोस्तों ये वाली रेस तो भाई जॉम्बीज वैन हार गई है और कार्बोल जीत गई है। दोस्तों पिछली हार के बाद में कार्बोल ने काफी अच्छा बदला लिया है जॉम्बीज वैन से। तो दोस्तों ये जीत कार्बोल के नाम और हार गई है हमारी जॉम्बीज वैन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रेस की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा व्हीकल है जो भाई कार्बोल से टक्कर लेने वाला है। ओ भाई इस बार मिली है रोप हीरो को उसकी फेवरेट कार रोडस्टर कार। तो दोस्तों रोप हीरो को रोडस्टर कार में बैठने के बाद हरा पाना ना मिलता है। तो चलिए जल्दी से हम रेस स्टार्ट करा के देखते हैं कौन जीता है, रोडस्टर कार या कार्बोल। और ये लीजिए दोस्तों ये रेस भी स्टार्ट हो चुकी है और ये क्या बात हुई दोस्तों, इस बार भी भाई कार्बोल काफी ज्यादा आगे निकल चुका है रोडस्टर कार से। लेकिन भाई अब रोप हीरो ने रोडस्टर कार की स्पीड बढ़ा दी है और ये लो दोस्तों रोडस्टर कार ने भाई कार्बोल को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है और ये क्रॉस कर दिया एंडिंग पॉइंट को और विनर बन चुकी है रोडस्टर कार। और भाई कार्बोल अभी तक यही स्ट्रगल करती हुई जा रही है बेचारी, जंप करती हुई और अब जाके भाई कार्बोल ने क्रॉस किया है ट्रैफिक लाइट को। तो दोस्तों इस तरीके से तो भाई खतरनाक वाली जीत हुई है रोडस्टर कार की, इसने तो भाई मॉन्स्टर ट्रक से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हराया कार्बोल को। तो दोस्तों ये वाली रेस रोडस्टर कार यानी कि रोप हीरो ने जीत ली है और सुपर हीरो की कार्बोल इस रेस में हार चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम हमारी आज की लास्ट रेस की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारी आज की लास्ट रेस की तरफ, क्योंकि सुपर व्हीकल्स में हमारे पास चार ही सुपर कार्स है जिनमें से तीन की रेस हो चुकी है और लास्ट बची है हमारी ये आर्मी की वैन। तो चलिए दोस्तों अब रेस करवाते हैं कार्बोल वर्सेस आर्मी वैन की और देखते हैं इन दोनों में से कौन ही जीतता है। इस चैंपियनशिप का अभी तक का जो स्कोर है वो भाई कार्बोल का 1 पॉइंट है और भाई सुपर कार्स का 2 पॉइंट है। अगर ये वाली रेस भाई कार्बोल ने जीत ली तो ये मैच ड्यू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, GO! और ये लीजिए दोस्तों रेस स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्टिंग में भाई कार्बोल काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, लेकिन भाई अब हमारी जो आर्मी जीप है इसने भी स्पीड बढ़ा दी है और ये भाई अब बराबर आ चुकी है कार्बोल के। और ये क्या दोस्तों, कार्बोल को पीछे छोड़ दिया है हमारी आर्मी जीप ने और भाई ये क्या दोस्तों, ट्रैफिक लाइट यानी कि एंडिंग पॉइंट को क्रॉस करके विनर भी बन चुकी है हमारी आर्मी जीप। और भाई कार्बोल अब भी तक नहीं पहुंची ट्रैफिक लाइट पे, अब जाके एंडिंग पॉइंट को कार्बोल ने क्रॉस किया है और लूजर बन गई है। मतलब कि यार दोस्तों आर्मी जीप ने कार्बोल को हरा दिया रेस में। और दोस्तों आज की ये जो रेसिंग चैंपियनशिप थी इसमें सुपर कार विनर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों सुपर कार्स का स्कोर 3 हो गया है और भाई कार्बोल का स्कोर सिर्फ 1 पॉइंट ही बना। मतलब कि कार्बोल सिर्फ एक ही बार जीती है और सुपर कार्स भाई 3 बार जीत चुकी है। तो दोस्तों आज की रेस की चैंपियन थी सुपर कार। तो दोस्तों बस आज की रेस में इतना ही, टाटा बाय बाय। अरे अरे रुको दोस्तों, अभी तो सिर्फ टिप्सन का टाटा बाय बाय हुआ है, रोप हीरो का टाटा बाय बाय तो अभी बाकी रह गया है। तो दोस्तों आज की रेस थी हमारी कार्बोल वर्सेस सुपर कार्स। नेक्स्ट वीडियो में आप कार्बोल की रेस कौन से दूसरे व्हीकल के साथ में देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी यार कमेंट करके ये भी बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।